एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और लेना चाहूंगा यहां पर, मैं भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो, मैं यहां पर YouTube खोल रखा हूं और यहां पर मैं सब्सक्रिप्शन के टैब में जाता हूं आपके सामने लाइव, और यहां पर एक वीडियो है और इस वीडियो में देख सकते हो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा है भैया जरिए जानते हैं, भैया क्या लिखा है बताओ। इसमें लिखा है सूरत के सबसे बड़ी कुर्ती मैन्युफैक्चरर, और फिर नीचे कुर्ती का बिजनेस कैसे शुरू करें। बिल्कुल सही कहा गाइस, मैं खुद शॉक कर गया ये चीज़ देख के कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि किसी की आंखों पे कॉटन डाल दो और ऊपर से एक पट्टी बांध दो और जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है सेम वही चीज़ भैया आंसर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जिस बिजनेस के बारे में जानने वाले हो, अगर इस कंपनी के साथ जुड़ के आप ये काम स्टार्ट करते हो, कंपनी आपको लैपटॉप भी देगी, सारी ट्रेनिंग देगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने शहर में अपने आसपास में आप अकेले पर्सन होंगे जो इस बिजनेस को करके साल के 36 लाख रुपए कमा रहे होंगे। जी हाँ, हर महीने का 3 लाख रुपए आप कमाने वाले हो, और काम ऐसा कि आप जहां भी जाओ, जहां भी रहते हो, वहीं रहकर कर पाओगे, और इनकी पूरी टीम बैठी है जो आपको हर सपोर्ट करेगी, हर मदद करेगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपके शहर में आपके जगह पर ये इनकी टीम जाएगी और वहां पर आपको बिजनेस करने में काफी हेल्प करने वाली है। आज इंडिया में जो भी लोग इनके साथ जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं, यकीन मानो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस यूनिक बिजनेस के बारे में। यहां पर सर मेरे साथ में हैं जो आपको बताएंगे इस बिजनेस के बारे में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर मैं चाहूंगा अपना गुड नेम बताओ और थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताओ। देखिए मेरा नाम विपुल शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, हम लोग टीम 360 से हैं, और हमारा एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, एजुकेशनल बिजनेस है जो हम जापान, सिंगापुर और अमेरिका से लेकर आए हैं यहाँ इंडिया में। करीब ये हमारे 8 साल कंप्लीट ही हुए हैं इसी 12 दिसंबर को, और 9वें साल में हमने प्रवेश किया है। ये थर्ड फेज बिजनेस का चल रहा है, फर्स्ट फेज में हमने खुद ने स्कूल्स में और कई जगह प्रोग्राम किया, और जब एकदम परफेक्ट हम उसमें हो गए या हमें लगा हाँ ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है और इससे और लोग भी लाभ कमा सकते हैं, और हम भी इस बिजनेस को पूरे इंडिया में बिजनेस को ले जाना चाह रहे थे, इसलिए फिर हम इसका सेकेंड फेज में फ्रेंचाइज मॉडल लाए और अभी उसका अपडेटेड वर्जन लेके आए हैं। ओके सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज कोई चाहता है मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं तो कौन कौन ये काम कर सकते सब जानना चाहेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो ये बिजनेस कर सकता है, फिर वो चाहे गृहणियाँ हो, चाहे से बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हो, इवन फार्मर्स, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और किसी भी प्रोफेशन का ये कर सकता है, इवन स्टूडेंट भी कर सकते हैं बशर्ते वो 18 साल से ऊपर हों, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें, ताकि किसी भी तरह का एजुकेशन में उनको इशू नहीं रहे, रेगुलर कॉलेज जाना होता है और वो उसको छोड़ के जाएं, ऐसा नहीं, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें, अदरवाइज प्राइवेट से कर रहे हैं तो ये आराम से वो कार्य कर सकते हैं। ओके मतलब आपका कहने का ये है कि कोई भी पर्सन आज जो बिजनेस की तलाश में है, कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, वो ये काम कर सकता है। बिल्कुल, और सबसे बढ़िया बात तो ये है अभी कोविड का इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे, तो कोई भी बिजनेस करना चैलेंजिंग है, ऐसे में कंपनी टीम 360 आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आई है जहां पे आप घर बैठे ऑनलाइन इस बिजनेस को कर सकते हैं, और जब कोविड का सिचुएशन खत्म हो जाए तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे भी करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। ओके अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज कोई ये बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में रहेगा यार कि मैं पैसा जो कमाने वाला हूं वो इनकम किस तरीके से होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रेम सर आपने। देखिए ऐसा है, इसमें इनकम के कई तरीके हैं, आप चाहें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं, खुद का भी इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, या चाहे तो ओपन सेमिनार कर सकते हैं, इवन इन सब को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जब से वेबिनार का सिस्टम आया है तो ये सारी चीज वेबिनार के थ्रू हो जाती है। हम जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं एक स्कूल का, अभी किसी स्कूल को आप अप्रोच करो, इंडिया में बहुत स्कूल्स हैं, जयपुर में 6000 स्कूल्स हैं, किसी भी स्कूल को अप्रोच करें, अगर वहां मान लीजिए 1000 बच्चे हैं स्कूल में, तो ऑन एन एवरेज जब हम ये सिस्टमेटिकली प्रोग्राम शेयर करते हैं तो 100 से ज़्यादा एडमिशन आते हैं, और एक बच्चे से ज़्यादा नहीं सिर्फ 3000 रुपये भी लेते हैं पूरे प्रोग्राम की फीस, तो भी 100 बच्चों से 3 लाख रुपए की इनकम होती है, और एक महीने का। यही तो बात है ना सर, मोनोपोली बिजनेस है, एक प्लेस पे एक ही व्यक्ति को हम दे रहे हैं और कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है। अब अगर मिठाई की दुकान एक जिले में एक ही है तो कहीं से भी लेनी तो वहीं से है, तो वो प्रॉफिट अपने आप ही बन जाता है, और हम तो मात्र 3000 रुपये ले रहे हैं 100 बच्चों के हिसाब से
3 लाख होता है, एक महीने में सिर्फ एक स्कूल भी करते हैं आप तो 12 महीने में 12 स्कूल होती है और एक स्कूल के 3 लाख, 12 के हिसाब से 36 लाख रुपए साल की इनकम होती है। चलिए हम मान लेते हैं 100 एडमिशन नहीं आए तो 2 स्कूल कर सकते हैं। अरे 30 दिन में 2 स्कूल तो टच कर ही सकते हैं। 2 स्कूल में आपको ज़्यादा नहीं केवल 50-50 एडमिशन मिले तब भी 3 लाख रुपये इनकम पक्की है। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको अगर काम नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि टीम 360 आपके एरिया में आए और जहाँ पर भी आप स्कूल में या कहीं भी सेमिनार करते हो उसके लिए भी यहाँ पर हेल्प मिलता है, उसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। सर एक और इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा आपसे, वो ये कि आज कोई ये काम स्टार्ट करता है क्या किसी तरह का रिस्क रहेगा इसमें? देखिए सर ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आप रिस्क ही ना लें, बाकी इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 120 करोड़ की, अभी तो 132 करोड़ की आबादी है, तो बच्चे पैदा होते हैं वो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, तो आपकी हमारे जैसों की ज़रूरत है, तो रेगुलर बेसिस पे बिज़नेस आता है। कभी इस बिज़नेस में सैचुरेशन नहीं आता है क्योंकि हमारे पास 132 करोड़ की आबादी और ये हमारा बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये कि ऐसा बिजनेस जिसको आप अपने जगह से स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी रिस्क का और इनकम भी इतनी है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर गाइस मेरे साथ में सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने गुड नेम बताओ। मेरा नाम डीडी शर्मा है। मैं पहले एक सीनियर ऑफिसर था गवर्नमेंट में, राजस्थान सरकार में, और उसके बाद में VRS लेकर के और मैंने इस पुनीत कार्य को आरम्भ किया ताकि न केवल बच्चे लाभान्वित हो बल्कि लोगों को रोजगार भी मिले। मतलब आपका ये टीम 360 को आज से 8 साल पहले स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि आप स्टूडेंट को भी एक नया वे दे सको, साथ में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको आपके जरिए कुछ घर बैठे रोजगार मिले। बिल्कुल। और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर की प्लानिंग ये, हमने 20 साल तक का एक प्लान बनाया था 2031 का, उसमें काफ़ी करीबन 5-7-8 साल हो गए हैं। हमने 8 सालों में काफ़ी तरक्की की, 550 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज दी, लोगों को रोज़गार दिया, 2 लाख से ज़्यादा बच्चों की हमने प्रतिभाओं का जागरण किया, उनकी कैरियर की काउंसलिंग की। एक जो भीड़ चाल में चल रहे थे, सब साइंस ले रहे थे, चाहे वो साइंस के लिए उनका बिल्टअप था नहीं था, उनमें इनबोर्न कैपेबिलिटी साइंस की थी या नहीं थी, सब साइंस ले रहे थे, कोई डिप्रेशन में आ रहा था, और कोटा जैसे शहर में हर 7वें दिन कोई न कोई सुसाइड कर रहा था, हमने वहाँ जाकर के बात देखी और फिर हम DMIT का कंसेप्ट लाए सिंगापुर से, फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम जापान से लाए और अमेरिका से NLP लाए, और ला कर के हमने कहा कि हम एक सामान्य बच्चे को असामान्य बनाने की प्रतिभा जो है उसका जागरण करेंगे, जो हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए की। आंखें बंद होने के बाद भी बच्चे देख सकते हैं, उनकी अनेक प्रकार की प्रतिभाओं का जागरण होता है, और DMIT से भी हम उनकी अंदर की किस चीज़ के लिए वो बच्चे बने हैं, मूल रूप में डॉक्टर के लिए बने हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग के लिए बने हैं तो इंजीनियरिंग सजेस्ट करते हैं, और अगर वो किसी म्यूजिक के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए सजेस्ट करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के लिए तो उसे सजेस्ट करते हैं, ताकि बच्चे को भगवान ने जिस प्रतिभा के साथ जन्म दिया है उस प्रतिभा की जानकारी करें और उसी फील्ड में उस बच्चे को प्रेरित करें, उनके पेरेंट्स को समझाइश करें कि इस फील्ड में डालो ताकि वो कीर्तिमान स्थापित कर सके, देश के लिए एक अच्छा नागरिक, श्रेष्ठतम नागरिक बन सके। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपके समय के लिए इतनी सारी बातें आपने बताई है, और आई होप कि आने वाले समय में और अच्छे से आप काम करो और लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करो। बिल्कुल, हमने जो है 2023 तक हमारा ये है कि हम 4 ऑफिसेज खोलेंगे, यद्यपि हमने बम्बई ऑफिस पहले खोला था, कोरोना की वजह से वो लगभग बंद करना पड़ा, अब हम बम्बई में और एक गुरुग्राम में, NCR दिल्ली जो है इसके अंदर, और एक न्यूयॉर्क में और दुबई में 2023 तक ऑफिसेज खोलेंगे। 40 लाख लोगों को हम प्रतिवर्ष जो है प्रतिभाओं का जागरण करेंगे, करियर काउंसलिंग करेंगे, और करीबन 12,000 लोगों को प्रतिवर्ष जो है रोजगार प्रदान करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, और हम इसमें कामयाब होने के लिए हमारी पूरी की पूरी 550 फ्रेंचाइजीज को साथ में लेकर के चल रहे हैं ताकि एक पूरा अभियान जो है वो सफल हो सके।
थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर सर मेरे साथ में है सर आपका गुड नेम? मेरा नाम विनीत शर्मा है सर। ओके सर, आप थोड़ा सा बताओ आपकी कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है? हम लोगों की कंपनी सर एजुकेशनल प्रोडक्ट में डील करती है, जिसमें हमारे पास में ब्रेन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नाम का कंसेप्ट है, जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं जैसे DMIT, मिडबेन एक्टिवेशन, ESP, फोटोग्राफी, क्वांटम स्पीडिंग, डायनामिक मेमोरी, इस तरह के कोर्सेज हैं। जिसमें जो पहला कंसेप्ट है DMIT, ये तो करियर काउंसलिंग के लिए होता है, जैसे बच्चों के फिंगरप्रिंट से हम करियर काउंसलिंग करते हैं। और जो सेकेंड वन प्रोडक्ट है मिडबेन एक्टिवेशन, उनसे बच्चों का ब्रेन शार्प होता है, उनकी मेमोरी बढ़ती है, लंबे टाइम तक चीज़ याद रख सकते हैं। उसके अलावा आगे ESP नाम का प्रोग्राम होता है, जिससे बच्चों का इंट्यूशन ज़बरदस्त बढ़ाया जा सकता है, इस हद तक कि उन बच्चों को ये भी आइडिया लगने लग जाता है कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आ सकता है और उसका आंसर क्या होगा, जिसे हम इनर गाइडेंस बोलते हैं। उसके बाद फोटोग्राफिक मेमोरी क्लास कराई जाती है, जिससे बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक आम बच्चा जो 100 से 150 वर्ड एक मिनट में पढ़ सकता है, 100 से 150, लेकिन इस वर्कशॉप को करने के बाद बच्चे में कैपेसिटी होती है कि वह 300 से 650 वर्ड बच्चे पढ़ने लग जाते हैं एक मिनट में। उसके बाद अगला वर्कशॉप कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। ये एक ज़बरदस्त चमत्कारिक वर्कशॉप होता है। ये सारे वर्कशॉप करने के बाद बच्चों में जो कैपेसिटी होती है वो ये है कि आप उन्हें कोई भी तरह की बुक देंगे तो उस बुक को बच्चा फ्लिप करता है, स्मेल करता है, फोरहेड पे लगाता है, चेस्ट पर लगाता है, और बुक के अंदर दिया गया जितना मैटर उसका 40% समरी बच्चा बता देता है। अच्छा। ये जितने मैंने वर्कशॉप बताए इन सब की एज लिमिट है, ये 5 से 15 साल के बच्चों को ही कराया जा सकता है। लेकिन अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये किसी भी बच्चे को करा सकते हैं। क्या है सर डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप? डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप में हम बच्चों को कोई भी एज ग्रुप हो, मेरे हिसाब से 3rd क्लास से लगा के 100 साल तक का कोई भी बच्चा हो, कोई भी पर्सन हो, कर सकता है। इस वर्कशॉप में बच्चों को टेक्निक सिखाई जाती है, जिस टेक्निक्स के जरिए आप बच्चों को कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद करा सकते हो, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, साइंस इंफॉर्मेशन हो, डिक्शनरी हो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, या लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, या हिस्ट्री के डेट से, यानी GK से रिलेटेड जो भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। मैं यहाँ पर आपको रुकना चाहूँगा, मतलब आपका टारगेट ये है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से हम बच्चों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उससे फास्ट हम क्या हो सकता है, अलग अलग तरह के कोर्स कॉन्सेप्ट आपके इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक सवाल और है मेरा आपसे, वो ये कि ये जो आपने अलग अलग टेस्ट, अलग अलग प्रोग्राम कोर्सेज की बात करी है, ये आप लोगों ने कब स्टार्ट करा? आज स्टार्ट करा या बहुत पहले से चल रहा है? नहीं, हमें 9 साल हो गए इस फील्ड में सर। 9 साल से 9 ईयर्स हो गए हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में 323 स्कूल्स में हम लोगों की क्लासेस चलती है। टोटल ओवर इंडिया में 26 स्टेट में 600 से ज़्यादा हम लोगों की फ्रेंचाइजीज हैं, और इंडिया से बाहर बात की जाए तो 13 देशों में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दी हुई है। सभी मिलकर कर रहे हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेंड कर चुके हैं सर अभी तक। ओके, 2 लाख से ज़्यादा बच्चों का ट्रेंड कर चुके। और ये चीज़ आप YouTube पे भी हमारे देख सकते हैं, YouTube पर 1250 वीडियोज़ हैं। अच्छा, स्कूल सेमिनार के, वर्कशॉप के, टीवी चैनल्स के, बच्चों के, सबके, तो एक्सपीरियंसेस के बहुत सारे वीडियोस। बिल्कुल गाइस, यही एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आज इंडिया के बड़े से बड़े ऑफिसर्स के साथ इन लोग का मिलना होता है, ये लोग अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हैं, चाहे बड़े बड़े IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लीडर हो या किसी और फील्ड में एक्सपर्ट हो। आज टीम 360 उन तक अप्रोच कर रही है और उनके सामने अपने जो ये इनका कॉन्सेप्ट उसको प्रेजेंट करते। इतना ही, न्यूज़पेपर में भी बहुत बार आपने देखा होगा, और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं कुछ फोटोज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि आप अगर ये काम स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से इनका फ्रेंचाइजी लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर आपको कुछ यूनिक दिखने वाला है अभी सर। अभी क्या करने वाले हैं अपन? अभी अभी इनके आंख पे हम कॉटन लगाने वाले हैं, और उसके बाद में ये पट्टी भी बांध देंगे। बावजूद उसके ये हर वो काम कर सकते हैं खुली आंखों जो आप करते हैं, ये बंद आंखों से करते हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? पूर्णबोध आचार्य। तो आपने क्या यहाँ पर कोर्स वगैरह कुछ कराया क्या? हाँ सर। कितने टाइम पहले? मुझे हो गया सर, साल भर हो गया। करते 1 साल आपको कोर्स कराए हुए हो गया। कितना टाइम लगा आपको सीखने में सारी चीज़ें? मुझे सर 3 महीने का कोर्स किया था मैंने, उसके बाद मैं सर के साथ ही जुड़ा हूँ। और जो कोर्स किया आपने उसके बाद क्या फ़ायदा दिखा आपको कोर्स का? सर कोर्स के बाद एक ये टैलेंट तो आ ही गया, साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छा हो गया, जल्दी जल्दी याद होने लग गया, काफ़ी लंबे समय तक याद रहने लग गया। ओके चलो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ सर। अभी जो करने वाले करो आप, ये कॉटन की आंखों पे लगेगा। ठीक हाँ, है क्योंकि कई बार टीवी चैनल्स पे किया तो लोगों को ये रहता है कहीं से दिखे नहीं, तो हमने ये कॉटन लगाया है। अब हम इनके आंख पे ये पट्टी भी बांध रहे हैं। हाँ, ठीक है, ताकि अभी क्या है आंख के, ये देखिए यहाँ पे हमने कॉटन भी लगा दिया, ठीक है, ताकि क्या आंख खुले नहीं, आंख खुलेगी तो रुई घुसेगी तो ये आंख नहीं खुलेगी, ऊपर से हमने पट्टी भी बांध दिया। ये लीजिए, अब आप कुछ भी दें, ये जो भी देंगे ब्लाइंड फोल्ड उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब मैं कुछ भी इनके सामने दे दूं, ये पढ़ के बता देंगे क्या है? बिल्कुल, जैसे ओके, अभी आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, कुछ दिखाओ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर रखा है। हाँ, ये पढ़ सकते। सर क्या लिखा है इस पे? ये
इस पर लिखा है जयपुर कोटा और सर ये ऊपर राज मीडिया टाइम्स और नीचे येलो कलर की बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से लिखा है संपादक नवल किशोर शर्मा 9828321603। बिल्कुल सही कहा गाइस, जो लिखा है वही। चलो एक प्रश्न के लिए आपके मन में डाउट होगा कि हो सकता है न्यूज़पेपर पहले से रखा हो और पहले से जो है इनको चीज़ें स्क्रिप्टेड हो, मे भी किसी के मन में आए। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन खोलता हूँ और गूगल में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सर्च करता हूँ और देखता हूँ भैया बता पाते हैं कि नहीं, वो भी लाइव आपके सामने। अभी आप देख सकते हो, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लिखा है, क्या लिखा है आपको तो दिख रहा है लेकिन अभी भैया को नहीं दिख रहा, और जो भी है आपके सामने प्रैक्टिकल हो रहा है। सर बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर हाथ में, हाँ लो आप, बड़े बड़े अक्षरों क्या लिखा है ऊपर? गूगल लिखा हुआ है, फिर नीचे सर्च और टाइप वेब एड्रेस, फिर SBI बैंक एक्सप्लेन SU, गूगल का मार्क बना हुआ है, फिर झारखंड उत्तराखंड वर्चुअल CEO, फिर झारखंड फेसबुक टॉप साइट्स डिस्कवर। और अच्छा, मतलब जो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सही कहा इन्होंने और एक्चुअल में वही चीज़ दिखी है। यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, लाइव ऑन कैमरा आपके सामने हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और लेना चाहूँगा यहाँ पर, मैं भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो, मैं यहाँ पर YouTube खोल रखा हूँ और यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन के टैब में जाता हूँ आपके सामने लाइव, और यहाँ पर एक वीडियो है और इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है भैया जरिए जानते हैं। भैया क्या लिखा है बताओ? इसमें लिखा है सूरत के सबसे बड़ी कुर्ती मैन्युफैक्चरर, और फिर नीचे कुर्ती का बिजनेस कैसे शुरू करें। बिल्कुल सही कहा गाइस, मैं खुद शॉक कर गया ये चीज़ देख के कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि किसी की आंखों पे कॉटन डाल दो और ऊपर से एक पट्टी बांध दो और जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है सेम वही चीज़ भैया आंसर करें। भैया इनका पट्टी खोल दो। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब ये मोबाइल सर दे रहे थे तो मोबाइल को टिल्ट करके सामने की तरफ कर देते हैं, अदरवाइज हमें देखने के लिए देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कॉटन पट्टी बंधा है, बावजूद उसके मोबाइल पूरा उन्होंने घुमा दिया ताकि ये कहीं से भी नहीं लगे कि ये देख रहे हैं। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल सही कहा। सर आप मुझे बताओ कि आज अगर चाहता है कि आपकी फ्रेंचाइजी लेना तो किस तरीके से काम होगा, क्या काम करना होगा उनको? ओके, देखिए सर ऐसा है, पहले तो 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उस 1,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको एक लैपटॉप मिलता है, स्कैनर मिलता है, साथ में आपको यहाँ जयपुर आना होता है या हम आपको 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम सिखाते हैं फिंगरप्रिंट कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, जो भी प्रोग्राम के अंदर आपको और भी डिटेल बताया हुआ होगा, ये सारी चीज़ हम आपको उस 1,20,000 में देते हैं। इंक्लूडिंग है कि वो आपको जितने कोर्सेज उनके सॉफ्टवेयर सब कुछ लैपटॉप में मिलेगा, हमारी ट्रेनिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिला के एक एग्रीमेंट करके कॉपी करके हम कि आप 1,20,000 में ये फ्रेंचाइजी लेके जा रहे हैं, अब इस डिस्ट्रिक्ट पे आप काम कीजिए। साथ ही साथ उसमें हम आपको एक सपोर्ट के नाम पे 6 महीने का और जो है असिस्टेंस जो हमारा होता है वो देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस जिसे हम कहते हैं वो भी हम देते हैं। उसमें हम ये कहते हैं आप किसी भी स्कूल में जाके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमने आपको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया है, अभी 3 दिन की ट्रेनिंग में आप कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें 8 साल का अनुभव है, आपको 3 दिन का अनुभव है, तो हम कहते हैं शुरुआती दौर में हम हेल्प कर देते हैं आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए। उसके लिए आप वहाँ पर किसी भी स्कूल के कोचिंग इंस्टीट्यूट के या कोई गेट टुगेदर में किसी भी शख्स से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद हमारी कंपनी का आदमी आपके लिए आ जाता है जो आपके लिए उस स्कूल के डायरेक्टर से बात करे, उनके आगे डेमोंस्ट्रेशन करे। यहाँ जयपुर से हम बच्चे भेजते हैं, पेरेंट्स को इनवाइट करना, बच्चों को इनवाइट करना, उनके आगे डेमोंस्ट्रेशन करना, क्लास करना, रिजल्ट निकालना, फीस कलेक्ट करना, इवन रिजल्ट निकालने के बाद में पेरेंट्स को इनवाइट करके वो रिजल्ट दिखाना और उन्हें संतुष्ट करना कि भाई हमने अपना काम कर दिया है, फिर सर्टिफिकेट देके हम फ्री करते हैं। ये सुविधा हम 6 महीने की आपको देते हैं ताकि 6 महीने में आप हमें देख के धीमे धीमे साथ में रह के सीख जाएँ और आपकी टीम तैयार हो जाए, आप परफेक्ट हो जाए। ये सब कुछ 1,20,000 रुपये में देना होता है, उसमें शुरुआत में आपको 1,20,000 अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद में आपको ये ट्रेनिंग मिलती है। ओके, तो सर मुझे आप ये बताओ कि 1,20,000 आज छोटी रकम भी नहीं है और कहीं ना कहीं अगर कोई स्टार्ट जो है इतना इन्वेस्ट करेगा उसके मन में डर रहेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्टार्ट करूं और बाद में पता चले कि मैं ये काम कर ही नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल सही, क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ हमारे को बहुत अच्छे से अनुभव है, इसलिए सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए इस कार्य को 8 साल हो गए करते हुए हमें,
पहले हमने खुद ने इस कार्य को स्कूल्स में किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किया और करके देखा है, पहले तो रिजल्ट आता है कि नहीं आया ये देखा, उसके बाद स्कूल्स में चलता है कि नहीं चलता वो करके देखा, जब बहुत हम सक्सेसफुल हो गए तब हमने कहा यार इसका फ्रेंचाइजी भी दिया जा सकता है। तो जो कोई भी व्यक्ति हमसे फ्रेंचाइजी लेता है उन्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है वो 18 साल से प्लस की एज में हो बस, और किसी भी प्रोफेशन का हो उनको ट्रेनिंग देने का, सपोर्ट करने का, तैयार करने की जिम्मेदारी तो कंपनी की है। 6 महीना तो हम दे रहे हैं ये ऑफिशियली, अगर आप ये कहते हैं सर 2 महीना और चाहिए, साल भर और चाहिए, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम आपको आगे सपोर्ट करें। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे वो ये है कि आज कोई आपका फ्रेंचाइजी लेता है तो आप लैपटॉप हुआ, चाहे उनका ट्रेनिंग हुआ है, चाहे स्कैनर हुआ, जो भी देते हो वो कितने टाइम में भिजवा देते हो? सर देखिए हाथों हाथ होता है काम, आपने 1 लाख पे आप, कई लोगों का ये होता है कि हम देखिए सर आज कंपटीशन का युग है तो लोगों में सब में एक ही प्लेस को लेने की होड़ होती है, तो हम कहते हैं आप पहले ही अमाउंट डिपॉजिट कर दो यहाँ आने से पहले, ताकि हम आपके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लें, आप आएँ तो आप ही के लैपटॉप पर आपको सारी प्रैक्टिस करा दें ताकि आपका अभ्यास हो जाए और फिर आप अपने प्लेस पर जाके कर सकते हैं। तो देन एंड देयर ऑन द स्पॉट ही व्यवस्था होती है। कई लोगों को ये रहता है कि इतना अमाउंट नए आदमी को मैं कैसे कर दूँ, तो 50% जमा करा दो और 50% आप यहाँ आकर दे दो। कई बार क्या होता है अमाउंट ही नहीं होता है तो हम कहते हैं कि तुम 40,000 जमा करा दो 1,20,000 में से, रेस्ट अमाउंट जो है आप यहां आके और जो 80,000 जमा करा दो, ताकि आपको यह भी संतुष्टि रहे कि मैंने पूरा पैसा कैसे जमा करा दूं, नया आदमी अनजान आदमी, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा सर मैं यहां एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, हम 1,20,000 रुपए लगा रहे तो साथ में आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं, और सपोर्ट में ऐसा तो है नहीं कि हम कोई जनसेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बात आ सकती है कंपनी को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कंपनी हमारे को क्यों हेल्प करेगी। तो मैं बताऊं हमें बहुत बेनिफिट है, एक तो हमारी कंपनी का नाम आपके प्लेस पर जाता है, दूसरा जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हम कहते हैं हमारे आने जाने और रहने की व्यवस्था कर दे, प्लस 1,000 रुपये हमारे को उसके बच्चे पे रॉयल्टी दे दे, ताकि फिर सारी जिम्मेदारी हमारी है। जब हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, तो 6 महीने तक हर बच्चे पे हम आपसे 1,000 रुपये रॉयल्टी ले रहे हैं, तो 5,000 में से अगर मान ली फीस आपने ली तो 1,000 रुपये हमें मिल गया, तो 4,000 आपका बचा। अगर 100 एडमिशन आए तो आपके 4 लाख है और 1 लाख हमारा है, लेकिन 1 लाख में सारी जिम्मेदारी हमारी है और आप जिम्मेदारी मुक्त हैं। इसलिए हर तरह से ऑन द स्पॉट हम ट्रेनिंग पे आपका 1:20 लेके आपका ट्रेनिंग करा के परफेक्ट करके और 6 महीने की जिम्मेदारी लगते हैं, ताकि 6 महीने की जिम्मेदारी लेके आपको परफेक्ट कर सके और आपको पैरों पे खड़ा कर सके। ओके, जैसे मैंने कई बार ऐसा देखा है और सुना भी है कई लोगों के मुंह से कि कंपनी तो जब तक पेमेंट ना दो तब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, 1,20,000 जैसे ही दिया या कोई भी अमाउंट दिया बाद में पता चला सेल्स सपोर्ट या किसी और तरह के सपोर्ट के नाम पे कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप सर आप बहुत अनुभवी और बहुत ही तीखे प्रश्न सीधे आप दागते हैं, मैं आपको बताऊं ये बहुत सही बात कही और ये होता है। फेसबुक पे यूट्यूब पे आजकल देखा है कि लोग शुरू में बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और बाद में बरगला देते हैं और एक बार तो पैसा ले लिया और बाद में चीट कर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हम दे चुके हैं, 27 राज्यों में बिजनेस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE, नेपाल, कनाडा, इतने देशों में बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई फेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता इतना बिजनेस, और इसके लिए आपको एक सहयोग के बतौर में कह सकता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियोस में आप देखिएगा, हमने ऐसे कई वीडियोस डाले जिसमें हमारी फ्रेंचाइजीज के एक्सपीरियंस हैं, ताकि आप उन वीडियोस को देखें, उनके अनुभव से आपको पता चल जाएगा, वो अपने हम हर जैसे आप लोग भी फ्रेंचाइजी लेंगे हम उसके बाद का भी वीडियो बनाते हैं कि मेरा यहाँ का कैसा अनुभव रहा, उसके बाद जब वो सफल हो जाते हैं तो उसका वीडियो भी मंगवाते हैं कि भाई आपने 50 बच्चे कर लिए, आपको इतना इनकम हो गया, 100 बच्चे कर लिए, तो एक वीडियो बना के भेजें ताकि लोगों तक ये चीज़ प्रसारित हो कि भैया हम जो ये कार्य कर रहे हैं हमें वाकई में इसमें सफलता मिली है। तो किसी भी तरह का कोई जो है किसी तरह का बेवकूफ बनाने का कोई भी ऐसा जो है धंधा नहीं है, प्योर जो है एथिकली हम ये कार्य कर रहे हैं और फुल सपोर्ट करते हैं, किसी तरह का चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आज कोई चाहता है बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके दिमाग में बस इतना ख्याल आ गया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और वो आपके साथ जुड़ता है तो हर तरीके से आप लोग मदद करने वाले हो। बिल्कुल, एक्चुअली चैलेंज क्या है सर, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा चैलेंज क्या है, आज कोई भी व्यक्ति सिंपल सा बिजनेस भी करता है ना तो उनको ना सपोर्ट करने वाले तो कई मिल जाते हैं, अरे बिजनेस चलते हैं क्या, हमने किया था, बाप दादाओं ने किया था, सफलता नहीं मिली, तुम भी लॉस में आ जाओगे, नौकरी कर लो, तुम ये कर लो, तुम छोटा सा कोई कार्य कर लो, सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है। हम इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये बात जानता है, इसलिए हमने एक सपोर्ट सिस्टम ही बना दिया जिसे हम आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, कि जो जो कठिनाइयाँ हैं हमने 8 साल में अनुभव कर ली, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिसीजन ले, अमाउंट डिपॉजिट करें, आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी टीम 360 लेती है। ओके, तो गाइस इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश करी है आपको कम से कम समय में एक अच्छा और यूनिक बिजनेस जो इस समय में बहुत डिमांड से चल रहा है उसके बारे में बताऊं। यहां पर इनकी पूरी टीम हमेशा आपके लिए रेडी बैठी है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको जिस तरीके से हेल्प चाहिए हर हेल्प करी जाएगी और यहां पर आप घर बैठे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर मेरा एक सवाल आपसे वो ये है कि आज अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या कहना चाहोगे उसको, यहां
आना कंपलसरी है या घर बैठे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, घर बैठे कर सकता है। हम उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आजकल तो व्हाट्सअप, ईमेल वगैरह सब साधन उपलब्ध हैं। फिर भी हम एडवाइस ये करते हैं कि उसको हमारे जयपुर ऑफिस में आके या पर्सनली सारी चीज़ देखे और यहीं आकर ट्रेनिंग ले तो उसका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। ठीक है। और गाइस मैं भी रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लगता है आप ये बिजनेस कर सकते हो, एक बार आओ, इनकी टीम से मिलो, काम देखो, समझो, और अगर आपको लगे कर सकता हूं तो ये बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट करो। इंडिया में आज बहुत लोग इस बिजनेस को करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस स्टार्ट करने का। मैम आप क्या कर रहे हो अभी? अभी जो है मैं आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ डिटेल शेयर कर रही हूं कि अभी फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो आते हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट करवानी है। जो लोग अभी देख रहे हैं, लास्ट में क्या कहना चाहोगे उनका? बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जरूर इस बिजनेस को करें और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो गाइस इस नंबर पर कॉल करो, पूरी जानकारी लो, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनका एड्रेस, चेकआउट कर सकते हो और आओ और आकर बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।